अगर आप प्रोग्राम देते हैं या परफॉर्मेंसेस करते हैं तो आपको रियाज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंसेस देने से, प्रोग्राम करने से प्रैक्टिस वैसे भी हो जाती है, गले की, है ना, गाने की प्रैक्टिस हो जाती है, तो रियाज की क्या आवश्यकता है। ये एक मेंटालिटी है, ये थॉट है जो कई लोग मानते हैं ऐसा, है ना, कई लोगों की सोच है। और कई स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसा कहा भी है कि हम तो परफॉर्मेंसेस देते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं, तो रियाज करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि गले को ही तो चलना है, तो वो तो वैसे भी चल ही रहा है ना। अगर आप परफॉर्मेंसेस दे रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो, कहीं कोई पर्टिकुलर गाने गा ही रहे हो, है ना, तो फिर रियाज की क्या ज़रूरत है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि रियाज एक्चुअली में क्या होता है, जिसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, है ना, और उसमें और उस परफॉर्मेंस में फ़र्क होता है। वैसे तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो दिया था कि एक्सरसाइज और परफॉर्मेंस में फ़र्क होता है, है ना, उसी का कहीं ना कहीं छोटा मोटा रूप है। तो आज उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे रियाज अलग है और वो जो प्रोग्राम और परफॉर्मेंस आप दे रहे हो वो अलग है, है ना। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि इसका क्या जवाब है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। हर हर महादेव शंकर धसर मबद साधा मबद मरे पा मबद मरे सरे धसा। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि कुछ लोग सोचते हैं कि रियाज करने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम प्रोग्राम देते हैं, गाने गा ही रहे हैं, तो रियाज क्या करना, गला तो चल ही रहा है ना, गले की एक्सरसाइज तो हो ही रही है। अब मैं ये बताऊं आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि रियाज की जो टेक्निक्स हम लोग बताते हैं या जो भी गुरुजन बताते हैं वो गले की एक्सरसाइजेज हैं, है ना, वो गले में ऐसी ऐसी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करती हैं, आपकी क्षमताओं को बढ़ाती हैं, जो कि महज गाना गाने से नहीं होता है। गाना अगर आप गा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो आपका गला, आप जानते हैं जो गाना वही गा रहा है, उसमें ऐसी कुछ खास बात नहीं है जो आपके गले में कुछ इम्प्रूव करेगी। जो इम्प्रूवमेंट है वो आपका रियाज ही करता है। जैसे कि अगर आप सा लगाते हैं, लंबे लंबे स्वरों को लगाते हैं, तो उससे आपकी सांस बढ़ेगी, उससे आपके गले में दम आएगा, है ना, आवाज़ लाउड होगी, आपकी खुलेगी। ये काम गाना गाने से नहीं होता है। गाना गाना तो आप अपनी आवाज़ में गा रहे हैं और गाने की एक लिमिटेशंस हैं, है ना, गाने की एक फिक्स्ड कंपोजिशन है, गाने की क्या बोलते हैं, उसमें स्वरों का मान एक जैसा है कि वो उतने ही लगेंगे, उसमें आपके ज़्यादा कुछ बढ़ाने की, आपकी क्षमता बढ़ाने की उसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है। अगर आप लंबे लंबे स्वर लगाते हैं सवेरे में, है ना, जो ब्रह्म मुहूर्त का रियाज है, जो आपका सवेरे का रियाज है, मॉर्निंग वोकल रियाज है, तो गले से लंबे लंबे स्वर लग रहे हैं तो सांस बढ़ रही है। कोई गाना गाने से सांस की प्रैक्टिस नहीं हो जाती है, कोई भी गाना गाने से आपके आवाज़ में दम नहीं आ जाता है। तो इस सोच को हमें नहीं मानना चाहिए, ये सोच गलत है कि हमें रियाज करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम डेली प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर हम डेली कहीं परफॉर्म कर रहे हैं ना, किसी महफिल में हम रोज़ गा रहे हैं, या हम तो भाई कमर्शियली अब तो इसको प्रोफेशनल बन गए हैं, तो हमारा तो होता रहता है ना रियाज, तो उसके लिए अलग से क्या बैठना, है ना, कि रियाज के लिए अलग से क्या बैठना, कहीं जाके भी हो सकता है। जैसे कि हमारे साथ एक बहुत पहले एक तबला वादक जुड़े थे, अकंपनिस्ट, तो वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ आ जाता हूँ तो मेरा रियाज हो जाता है, वरना तो मेरा घर पर होता ही नहीं। तो ये बढ़िया है कि तुम्हारे साथ बजा लेता हूँ, गा लेता हूँ, थोड़ा तो रियाज हो जाता है। इसको रियाज नहीं कहते हैं, रियाज मतलब एक्सरसाइज होती है, अभ्यास मतलब दोहराना होता है, एक ही चीज को लेकर लगातार, है ना। जैसे अगर आप तबले का रियाज कर रहे हैं तो 3 ताल का ठेका लगाया तो वही चल रहा है आधे घंटे तक, बार बार वही वही चल रहा है, और उसी में थोड़े थोड़े वेरिएशन लगा के आप उसी को बार बार कर रहे हैं। अलंकारों का रियाज है तो वही एक अलंकार आप बार बार कर रहे हैं, अलग अलग लयों में कर रहे हैं, है ना। कोई राग गा लेना रियाज नहीं होता है कि जैसे भाई मैं कह दूं कि मैं तो रोज शाम में भाई अपने तो अलग अलग रागों की प्रैक्टिस करता हूं, इसको रियाज कहते हैं, नहीं। यही हमने शुरुआत में बताया
समझाया भी था अपने लेसन्स में भी, हमने इस चीज़ को समझाया है कि उस रियाज में और इस रियाज में फ़र्क है। वो रियाज ऐसी प्रैक्टिस है कि आपके पास जो दिया गया काम है उसको आप दोहरा रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं कि उसमें कुछ कमी खामी है तो उसको देख रहे हैं, याद कर रहे हैं। वो मेमोराइजेशन है, है ना, जिसको आपको कहीं परफॉर्म करना है कि भाई देख लिया कि शब्द क्या है, कंपोजिशन कैसी, ऐसे गाना, ये आलाप तान अगर लिखे हुए हैं तो सम टू सम आ रहे हैं कि नहीं, कहाँ से उठ रहा है और क्या हो रहा है, वो उसकी टेक्निकलिटीज़ आप देख रहे हैं। लेकिन ये जो रियाज है, ये गले की एक्सरसाइजेज हैं, ये फिक्स चीज है कि ये रोज साल लगाना है तो रोज लगाना है। ऐसा नहीं है कि वो बस पांच दिन लग गया तो हो गया उससे, है ना। लेकिन वो पांच दिन आपने एक गाने की प्रैक्टिस करी तो हाँ हो गया, वो तैयार हो गया गाना, तो वो तो आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, और उसी को आप कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो उसमें और ये जो सवेरे का रियाज जो आप कर रहे हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, है ना। इससे इंप्रूवमेंट होगा, उससे कुछ इंप्रूवमेंट ही हो रहा है, उससे सिर्फ रिपीटेशन हो रहा है ना। रिहर्सल और रियाज ये समझ लीजिए, चलिए प्रैक्टिस और रिहर्सल, ये दो वर्ड्स हम इसको दे सकते हैं। रिहर्सल मतलब वो कि जिसको आप कहीं परफॉर्म करना है तो उसकी आप एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसका वार्म अप है ना, उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो अलग अलग होती हैं। ये जिसमें गले की कैपेसिटी बढ़ेगी, सांस का बढ़ना, गले में दम आना, अगर आपको ताने गाने हैं तो उन अलंकारों का रियाज करना, आधे घंटे तक सारे गम पद नि सा सानी धपम अगर ऐसा, है ना, अलग अलग पलटे आप ले रहे हैं, उसको पलट रहे हैं, सारे गरे गम गम पम पद, है ना, सारे गम रे गम प, ये जो अलंकार कुछ बहुत बेसिक से हैं इनको ले रहे हैं, अलग अलग थाटों में कर रहे हैं, ये आपको कहीं परफॉर्म नहीं करना है। इनका जो असर होगा वो गले पर होगा और दिमाग पर होगा, फिर आप जब वो गाने गाएंगे, है ना, तब ऑटोमेटिकली उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो इम्प्रूवमेंट का जो काम है, बढ़त का जो काम है, इजाफे का जो काम है, वो रियाज का है। परफॉर्मेंस इससे कुछ इजाफा नहीं होगा, उससे सिर्फ गला चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन वो भी एक टाइम पे चलेगा, एक टाइम तक ही चलेगा, क्योंकि आपने रियाज किया नहीं, गले में कैपेसिटी कुछ बढ़ी नहीं, जितना गला जैसा आपका था, जैसी सोच थी म्यूजिक को लेकर भी जैसी थी लिमिटेड, उसी लिमिटेड के साथ आप काम कर रहे हैं, उसमें कुछ बढ़ नहीं रहा है ना। उसको बढ़ाना अगर है तो रियाज करना पड़ेगा, है ना। रियाज करोगे तो आपके अंदर कैपेसिटीज बढ़ेंगी, फिर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ये तरीका होता है, ये हायरार्की है इस चीज़ की, कि पहले रियाज ही आता है। परफॉर्मेंस और रियाज में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, ज़्यादा उसमें कुछ बड़ा एक्सप्लेन करने जितना है नहीं, लेकिन ये एक्सपीरियंस अगर आप करेंगे तो आपको समझ आएगा, है ना। जाहिर बात है कि आपको तजर्बा लेना पड़ेगा इसका, कि आप बोलें कि मैं तो परफॉर्मेंसेस कर ही रहा हूँ तो मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, और आप रियाज करके देखिए तो आपको मालूम चलेगा कि इंप्रूवमेंट किसको कहते हैं। और ये जो हो रहा है, ये सिर्फ आपको लग रहा है कि कुछ नई चीज़ बन गई, है ना, परफॉर्म करते करते कुछ नया बन गया तो आपको लग रहा है ये हमारा रियाज हो रहा है। नहीं, किसी के साथ अकंपनी कर ली, है ना, कि यार म्यूजिक का माहौल मिल जाए, बस उस महफिल में बैठ जाए तो हमारा रियाज होता रहे, उसको रियाज नहीं कहते हैं, है ना। वो सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये रिहर्स कर रहे हैं उसको कि कहीं परफॉर्म हो जाए, कुछ नया बन गया तो ठीक है, कुछ उपज हो गई तो ठीक है, लेकिन इंप्रूवमेंट रियाज ही देगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसी तरह मैं कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूंगा, आप ही लोगों के सवाल आप तक पहुंचाता रहूंगा, तो आपकी कई डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करें इस वीडियो पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।